अच्छा वीडियो शो करेंगे हम, ये देखिए कितना अच्छा फल खिले हैं माशाल्लाह से। और ये देखिए लग गया है बहुत के बीच में, कितने बहुत सारे थे इसके ऊपर, कितने कलियाँ हैं माशाल्लाह से। चलिए जी, आज का ये है जामुन का झाड़ जो मैंने सीड से लगाया था, और ये देखिए कितना बड़ा हो गया है। देख रहे हैं आप इसकी डालियाँ, देखिए कहाँ कहाँ तक आ गई हैं, और ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो आज इसकी कटिंग करूँगी मैं, अभी तो इस पर फल नहीं आए हैं लेकिन ये अच्छा सा ग्रोथ हो गया है। ये देखिए एक साइड में भी बीज डालने पर वो भी अच्छा बड़ा हो गया है, ये देखिए इतना बड़ा हसा है। तो जामुन का झाड़ कैसे लगा सकते हैं, जामुन का देखिए कटिंग से भी लगता है। मैं अब इसको कट करूँगी, बिस्मिल्लाह। बहुत बड़े बड़ी हो गई हैं इसकी डालियाँ, ये देखें कट कर दूँगी, पूरा इसको छांट दूँगी मैं क्योंकि ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। फिर यहाँ से इसके डालियाँ आ जाएंगे और ये घना बना हो ही जाएगा। ये देखिए मैंने इसको ना बीन्स से लगाया था, बीन्स डाल दिए थे, बीन्स से लगा हुआ है। अब इसके लिए देखेंगे तो अच्छी से मोटी, देखिए मैं कटिंग करते रहती हूँ, पहले भी मैंने यहाँ से कट किया था। तो ये देख रहे हैं अब 3, 1, 2, 3 तीन तरफ से ये फिर आ गया था। फिर इसको अब मैं यहाँ से कट कर रही हूँ ताकि ये फिर से आ जाए, और ये बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ से फिर आ ही जाएंगे इसके न्यू शूट्स आ जाएंगे, और इसके ऊपर फल कब आएंगे ये मुझे नहीं पता है जी। बहुत बड़ा झाड़ होता है जामुन का, फिर मुझे अच्छा लगता था लगा तो मैंने सीड से कोशिश की थी, लगता क्या देखेंगे, और ये अच्छा सा लग गया था। और ये फिर सेकेंड टाइम फिर मैं डाली थी सीड्स, तो फिर उसका भी बाजू से लग गया। देखिए इसमें एक पुरानी सी बकेट थी मेरे पास जिसको मैंने पेंट किया, और उसी में मैं डाली थी, और देखिए अच्छा सा बढ़ गया। और इसकी मैं कटिंग कर रही हूँ, मैंने सोचा इसी पर बना दूँगी मैं वीडियो। सारा कट हो गया अच्छे से, साइड से भी मैं इसको निकाल दूँगी। देखिए अच्छा सा कट हो गया, सुखनियों आ जाएंगे क्योंकि अब ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, बाद में जाके झाड़ में ग्रोथ अच्छी नहीं होती है क्योंकि हम ये पॉट में लगाए हैं, बकेट में आप देख रहे हैं तो ज़मीन में नहीं है। ज़मीन में हो तो इसको अच्छी सी खाद वगैरह ये खुद ले लेता है जो इसको कुवत चाहिए, लेकिन जब बकेट में होता है या पॉट में होता है तो आपको कटिंग करना ज़रूरी होता। तो ये देखिए कटिंग मैंने की है, यही था जी आज के वीडियो में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जामुन का झाड़ कैसे लगाते हैं और इसको कटिंग करते रहना चाहिए। तो सीड से मैंने लगाया था, कटिंग से भी आप इसको लगा सकते हो, बहुत बड़ा झाड़ होता है ये, लेकिन मुझे अच्छा लगता है नए नए सीड्स को, बस फन है मेरे लिए गार्डनिंग, और मैं फन गार्डनिंग करते रहती हूँ और कुछ नहीं है। अभी इसमें फल आएंगे नहीं आएंगे नहीं देखूँगी मैं, अगर नहीं आए तो इस साल मैं इस पर ग्राफ्टिंग करने की सोच रही हूँ और करूँगी इंशाल्लाह। तो ये था आज का टॉपिक, चलिए रखती हूँ, ख़त्म कर रोकती हूँ मैं अपने वीडियो का।